आज हम बात कर रहे हैं क्या होता है जब लोगों को मिथुन राशि वालों की लत लग जाती है। शुरू करते हैं आपके लिए ये वाला वीडियो और हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करें आप। तो देखो भाई, ऐसा है, ये कहानी शुरू से ही, बचपन से ही शुरू होती है मिथुन राशि वालों की। वो चाहते हैं कि हर चीज जो है उनके कंट्रोल में रहे, सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों के लिए तो मिथुन राशि वाले आखिरी उम्मीद भी होते हैं कि उनके कि उसके बाद जो है उनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, आखिरी उम्मीद है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारे लोग। अब भाई जो ये जो डिपेंडेंट हैं, इनको एक चीज़ तो दो तीन चीज़ें इनको चाहिए, टाइम पे सब कुछ चाहिए और जो है टाइम पे ही इनको जो है हर चीज़, हर खाना पीना और सारी व्यवस्थाएँ सब कुछ टाइम पर चाहिए, और अगर नहीं मिले तो इनकी कंप्लेन शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं मिथुन राशि की लाइफ में जो कि विद्रोह कर देते हैं, मतलब वो बात मानना बंद कर देते हैं, और जैसे ही उनकी रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं या जैसे ही वो परेशानी में आना शुरू होते हैं, वो फिर से मिथुन राशि वालों के पास आने शुरू हो जाते हैं और फिर से वही जो है साइकिल शुरू हो जाता है। मिथुन राशि वाले हर बार इनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी लिमिट होती है। और ये जो लत लगे हुए लोग हैं, ये कोई प्रेम में नहीं है, आपका प्रेम जो आपसे प्रेम करते हैं वो हैं ये सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले और ये कुंभ राशि वाले। इनके अलावा बाकी की जितनी भी राशियां हैं वो ऑलमोस्ट आपको यूज करेंगी, और यही जो है यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के कैरियर बना दिए। जब तक लोगों की ज़रूरतें आपसे रहीं वो आपसे जुड़े रहे, और जैसे ही उनकी ज़रूरतें ख़त्म हुई वो इंडिपेंडेंट हुए लाइफ में, उन्होंने आपसे भी नाता तोड़ लिया। तो ये एक कहानी है जो इस तरीके से बिल्ड होती है। अब इसमें दो तीन एस्पेक्ट के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा कि मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी निगेटिविटी सिर्फ इसकी वजह से मिलती है क्योंकि वो रिसोर्स कंट्रोल करना चाहते हैं। रिसोर्स कंट्रोल करने के पीछे उनकी वजह ये है, वो चाहते हैं कि सभी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को मिला ही नहीं। तो जो है जो भी खाना पीना है, रिसोर्सेज हैं, वो इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो यहाँ पर जो है लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। इसकी वजह से कई बार कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में जॉब पर भी आपको दिक्कतें होने लगती हैं। लोग आपके सामने कुछ नहीं बोलते क्योंकि मिथुन राशि वाले काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर चुके होते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन आपके पीठ पीछे षड्यंत्र बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि सामने वाले या दूसरे लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर वो आपके पास आ जाते हैं, शायद कुछ माफ़ी भी मांग लें, और शायद कुछ इतने भी ऐसे भी लोग होंगे जो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं वो आपसे अलग होते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि मतलब थैंक यू भी नहीं बोलते आपकी लाइफ में। आपने पता नहीं कितने लोगों की करियर बनाए, कितने लोगों की ज़िंदगी आपने संवार दी, और इस चक्कर में इसी वजह से कई बार जो है ये जो डिपेंडेंट हैं, मैं इनकी वजह से मिथुन राशि वालों की शादियाँ लेट होती हैं, बच्चे लेट होते हैं उनके, जो कई बार जो वो शादी करते भी नहीं है, उनको लगता है कि यार अगर हमने शादी कर ली तो इंडिपेंडेंस का क्या होगा, और वही डिपेंडेंट आपको छोड़ करके एक टाइम के बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी लाइफ में अगर सबसे पहले कोई चीज़ आनी चाहिए तो वो आप हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप बाकी लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो क्या होता है जब लोगों को मिथुन राशि वालों की लत लग जाती है? सिर्फ मतलब की लत है। जब तक उनका मतलब है वो तब तक दिखा रहे हैं कि उनको आपकी लत लगी हुई है। सही मायनों में जो आपके दोस्त हैं कुंभ राशि वाले, सिंह राशि वाले, तुला और ये जो है तुला, बेसिकली ये जो है आपसे थोड़ी सी दूरी बना करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुस गए। और अगर इनको अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी भी तो ये एक तरीके से सामान्य रिलेशनशिप होगा जिसमें जो है दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।